बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डाउन क्लास नोट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.8, चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज एज वेल एज शॉर्ट। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें देखिए, पहले हमें बता रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, वो कह रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक नंबर 3.9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होती कौन सी, एंड इक्वेशन कंटेनिंग डेफिनेशन है इसकी, एंड इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन derivative of dependent variable with respect to independent वेरिएबल। वो कह रहे हैं हमारे पास इक्वेशन है, एन इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन डेरिवेटिव। वो इक्वेशन इसमें कोई ना कोई एक डेरिवेटिव जरूर हो। डेरिवेटिव कौन सा होता है, डी वाई और डी एक्स। वो कह रहे हैं ऐसी इक्वेशन में कोई एक डेरिवेटिव जरूर हो ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल हो किसी रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। अब देखते हैं हमारे पास इक्वेशन जैसे कि है ये वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास इक्वेशन, इसमें हमारे पास एटलीस्ट वन डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव है हमारे पास वन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। वन डेरिवेटिव इसका डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। पूरी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ एक्स का डी टू वाई और डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टू एक्स इक्वल्स जीरो, ठीक है। बोथ आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। इसके कुछ ऑर्डर्स हैं, क्या है ऑर्डर्स, ऑर्डर नंबर वन है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इज एज ए फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज वन ऑफ दिस कॉल्ड अ फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा कहलाता है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर ऑफ, ये फर्स्ट पॉइंट नहीं है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इज द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या ऑर्डर है, ऑर्डर है फर्स्ट डेरिवेटिव का इक्वेशन में। अब इसका पहला क्या है, इज वन व्हाट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, क्या कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, क्योंकि इसका ऑर्डर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो क्या है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कहलाएगी, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर इसमें कह रहे हैं कि कंटेन द सेकेंड डेरिवेटिव, क्या कह रहे हैं, क्या कंटेन करती है वो, कंटेन सेकेंड डेरिवेटिव ऑर्डर डेरिवेटिव एंड इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर है और सेकेंड ऑर्डर कहलाती है हमारे पास। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब नेक्स्ट हमारा, हमने तीन ऑर्डर्स पढ़ लिए हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है क्या। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बहुत बोर्ड में आती रहती है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर बताया कि इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। इसमें आपने यही पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका इनिशियल कंडीशंस, क्या आ रहा है आपका टॉपिक, आ रहा है इनिशियल कंडीशंस। प्लीज
ये क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन अकर न्यूमेरस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कंसीडरिंग टू फिजिकल बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेस। कह रहे हैं द आर्बिट्री, इसकी टू टाइप्स है ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स involving in the solution of differential equation or differential equation can be determined by conditions, given conditions या conditions is called initial value conditions. क्या कहलाती है called is called initial value conditions. ये first है कि हमारे पास क्या type थी initial value कंडीशन इज आर फर्स्ट टाइप। अब सेकेंड है हमारे पास कौन सी है इसकी वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्म या इनिशियल वैल्यू कंडीशन। क्या होगा इनिशियल वैल्यू कंडीशन पढ़ ली हमने, हम पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल स्टेट सेपरेबल फॉर्म कंटेन ओनली वन वेरिएबल द जनरल सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इसको कहते हैं इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ठीक है। वो कह रहे हैं हमारे पास दो कंडीशंस होती है, ऐसी कौन सी होती हैं दो कंडीशंस इनिशियल कंडीशन होती है, उसमें दो टाइप्स हैं, एक है इनिशियल वैल्यू कंडीशंस, एक है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब बेसिकली बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, किसके बगैर हम 3.8 सॉल्व नहीं कर सकते ठीक है। वो हमें कह रहे हैं हमारे पास दो टाइप्स थी, एक इनिशियल कंडीशन एक इनिशियल वैल्यूज ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन देखें, वो कह रहे हैं कि आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इन्वॉल्विंग इन सॉल्यूशन, वो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जैसे कि आप लगा लें हिसाब ये वाई एक्स का स्केयर प्लस आप एल एक्स का स्केयर प्लस डी वाई और डी वाई तक एक्स लगा लें और प्लस y dx इज इक्वल टू जीरो। वो कह रहे थे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इन्वॉल्विंग सोल्यूशन, ये सोल्यूशन इसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कौन से हैं एक ये और एक ये और एक ये, इसमें क्योंकि x तीन दफा आ रहे हैं, हम क्या कहेंगे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय कंडीशन इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू कंडीशन। को हम क्या कहते हैं इनिशियल वैल्यू कंडीशन, क्या कहते हैं इनिशियल वैल्यू कंडीशंस। उसके वो कह रहे थे जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन जनरल सोल्यूशन मतलब क्या जनरल सोल्यूशन क्या होगा, बस एक्स का स्केयर है डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है एक्स का, तो क्या करेंगे पहले पावर, ये पावर में से एक माइनस तो आ जाएगा टू एक्स आर डी एक्स, ये हमारे पास क्या कहलाता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब के जनरल सोल्यूशन, क्या कहलाता है हमारे पास जनरल सोल्यूशन ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसका ऑर्डर क्या होता है, फिर हमने आगे पढ़ा कि इनिशियल कंडीशंस की टू टाइप्स होती हैं, उसमें हमने क्या क्या सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करने से हम आपको आगे बताएंगे 3.8 पे आपने असल करना क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 3.8। का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कितने पार्ट है 5 पार्ट है। कह रहे हैं चेक डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, क्या कह रही है चेक डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिटन अगेंस्ट
written against the differential equation. Written against the differential equation. ये कह रहे हैं कि हमारे पास equation है, check करें कि हमारे पास equation दी गई है वो against किया है क्या, वो against है differential equation के, ठीक है। अब first हमारे पास question है इसमें x dy over dx is equals to 1 plus y, क्या है हमारे पास 1 plus y। अब देखें हमारे पास वो कह रहे हैं इसको हमने चेक करना है किसके इक्वल आंसर, इसका आंसर इसके इक्वल। और आगे हमें कहा है कि आपका जो पॉइंट है वो क्या है, एनर्जी y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस वन, क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस वन, डिफ्रेंशिएट करें इसको x, ये क्या हो जाएगा dy और dx, यह हो जाएगा सी एक्स जगह आ जाएगा वन, माइनस वन के जगह आ जाएगा जीरो। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू वहां पर किसके इक्वल आ गई, सी के, किसके इक्वल आ गई, सी के। अब इसको इसके अंदर पुट कर दें, इसके इस इक्वेशन के अंदर पुट इन इक्वेशन नंबर, इसको वन का नाम दे दो, पुट इन इक्वेशन नंबर वन एक्स है, डी वाई डी एक्स जगह क्या पुट करना है हमने, सी और इज इक्वल्स टू वन प्लस वाई। वन प्लस वाई एक्स सी वाई, तो वन क्या पुट करना है, वाई इक्वल सी एक्स माइनस वन, ये आंसर नहीं चाहिए हमारा। तो क्या करेंगे हम, ये वाई है ये हो जाएगा एक्स सी, ये प्लस पॉजिटिव है यहाँ का हो जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू वाई, तो आ जाएगा वही हमारे पास प्रूव हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स सी एक्स माइनस वन इज योर आंसर, ठीक है। हमने ये लेके हमने क्या डी वाई डेक्स वैल्यू पुट की है, हमने वो निकाल के डी वाई डेक्स वैल्यू से पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब इसी का पार्ट टू देखें, पार्ट नंबर टू बिल्कुल सेम आपने ऐसे ही करना है, पार्ट नंबर थ्री देखें, पार्ट नंबर थ्री, पार्ट नंबर थ्री में कह रहे हैं वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ई की माइनस टू एक्स इक्वल्स टू वन, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है। जबकि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या दी गई है, वाई टू इज इक्वल्स टू y2 प्लस इक्वल्स टू e की x प्लस टू एक्स प्लस सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये 2 है पर पावर, पावर में से एक माइनस होगा dy वाई ओवर डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट किया e टू x को, तो क्या आ जाएगा खाली ई एक्स ही आ जाएगा, दिस टू एक्स ई टू एक्स आ जाएगा और सर पावर आ जाएगी, तो टू आ जाएगा, पावर में से एक माइनस कर दिया, साथ हमारे पास क्या है यहाँ पे टू, ये एक्स क्या हो जाएगा वन और ये हो जाएगा जीरो। अब पुट करें डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टू ई टू एक्स प्लस टू और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास टू वाई नीचे आ जाएगा। अब आप करें टू ले लो ऊपर कॉमन, अंदर क्या आया ई टू एक्स प्लस वन और नीचे आया टू वाई, अबे टू से टू कट हो गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ई टू एक्स प्लस वन और नीचे वाई, ठीक है। हमारे पास इसको पुट कर दे इक्वेशन नंबर वन में, पुट इन इक्वेशन वन, ये हमारे पास है वाई है डी वाई हमारे क्या पॉइंट किया है, ये पुट करो जरा इसके अंदर ई टू एक्स प्लस वन और नीचे वाई, मैंने पुट कर दिया माइनस किया माइनस ई टू एक्स और इज इक्वल टू वन, ये वाइस वाइस से कट हो गया, क्या बचा यहाँ पे ई टू एक्स ऊपर प्लस वन, ये माइनस सात आ गया ई टू एक्स इज इक्वल टू वन, ये और ये कट गया आपस में, तो वन किसके इक्वल आ गया वन के। हमारे पास इस क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या है विच इज टू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव देखें, वो कह रहे हैं डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है, वाई की स्क्वायर प्लस वन
और नीचे क्या है e की माइनस एक्स, ठीक है। जो हमने प्रूफ क्या करना है कि y किसके इक्वल है, टेंजेंट ई एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके थोड़ा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास y की वैल्यूज को हमें डिफरेंशिएट करके उसके आंसर निकालने हैं। दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन। अब पहले हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग करेंगे वेरिएबल्स को। इसमें आप पहले सेपरेटिंग करेंगे वेरिएबल्स, ये क्या हो जाएगा, ये y और y है, y को अलग ले लेंगे, ये वहां मल्टीप्लाइड और मल्टीप्लाइड जाके डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 1, ऊपर क्या आ जाएगा dy। अब ये माइनस ex है, ये ऊपर जाके हो जाएगा ex और ये साथ dx। अब इंटीग्रेशन करो, ये किसका फॉर्मूला है, dy y का स्क्वायर प्लस 1 टेंजेंट इनवर्स का y आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएट किया हमने तो क्या आ जाएगा ex प्लस सम कॉन्स्टेंट। अब हमारे पास क्या प्रूव करना है, y तो y यहाँ ही रखे हम, ये टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट हो जाएगा यहाँ जाके, अंदर क्या आ जाएगा ex प्लस सम कॉन्स्टेंट इज योर आंसर। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये गुजरात बोर्ड 2015 में आया, लाहौर बोर्ड में बहुत दफा आया होगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर 1 होता है कंप्लीट, यहाँ पे हम पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, क्या कह रहे हैं सॉल्व फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहे हैं डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल है माइनस वाई के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, पहले सेपरेटिंग करेंगे वेरिएबल्स, मतलब वाई की वैल्यू को अलग कर लें, एक्स वैल्यू को अलग कर लेंगे। ये डी वाई है, ये पॉजिटिव है, यहाँ का क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ का क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये डी एक्स यहाँ पर डिवाइड हो जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ तक आ गया। अब इंटीग्रेशन करें, क्या करें इंटीग्रेट बोथ साइड, एक तो फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन की डी वाई ओवर वाई की और इंटीग्रेशन की वन एक्स की, तो क्या आ जाएगा नीचे पंक्ति में डेरिवेटिव है क्या ले लेंगे लोग लोग वाई आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट माइनस, ठीक है माइनस एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। अब हमारे पास जब एक जगह लोग हो तो हम उस जगह अब लोग ले लेते हैं, हम बस एक जगह लोग है, हम यहाँ भी लोग ले लेंगे कॉमन, माइनस आ जाएगा लोग ई की माइनस एक्स प्लस सम, यहाँ भी ले लो लोग, ये पॉजिटिव है, ये मैंने जो ई एक्स है ना इसको ऊपर लोग में ले गई हूँ, ठीक है मैं क्या ले गई लोग में ऊपर ले गई हूँ। अब यहाँ से ले लो कॉमन, मैंने क्या किया यहाँ हमारे पास एक जगह जब लोग आ जाए ना तो हम दूसरी जगह भी ऑटोमेटिकली लोग लेते हैं ताकि हम लोग को कट करके अपना एक वैल्यूएबल आंसर निकाल सकें। हमारे पास माइनस एक्स था, मैंने लोग लिया, लोग हमारे पास वैल्यू होती है ना साथ वाली वैल्यू, ऊपर कॉमन ही लेती है, मैंने क्या लिया ई के साथ लोग ई ले लिया मैंने, और इसको ना ई के ऊपर मैं इसको ना कॉमन ले गई, ई के ऊपर इसको मैंने क्या बना की पावर बना, सारे क्वेश्चन अपने ऐसे ही करने हैं, ई के ऊपर क्या बना दी पावर बना दी मैंने, क्या आ जाएगा वो मैंने कॉमन तो क्या बचा सी ई माइनस एक्स, ये बताना सी ई माइनस एक्स, यहाँ से लोग इससे कट गया, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई सी ई माइनस एक्स विच इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करवाती हूँ मैं आपको। तो मैं कह रहा हूँ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर वाई, सेम क्या करेंगे सेपरेटिंग वेरिएबल, डी वाई डॉट ये नीचे के डिवाइड ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डी वाई का वाई आ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स डिवाइड ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ आ जाएगा डी एक्स।
अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये डी वाई और ये डी वाई क्या हो जाएगा, मैं इंटीग्रेशन करूँ वाई और डी वाई की, और यहाँ मैं इंटीग्रेशन करूँ एफ डी एक्स की, ठीक है, और फिर करूँ मैं एफ एक्स डी एक्स की, इसको मैंने किया क्या एफ डी एक्स, इसको तो मल्टीप्लाई किया एफ एक्स डी एक्स आ गया, ये आ जाएगा वाई की स्केयर बाय टू, ये वन और ये वन टू, तो ये आ जाएगा वन जगह एक्स आ जाएगा माइनस वन वन एक्स की टू बाय टू प्लस सम कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब ये आ जाएगा y की 2, ये 2 यहाँ डिवाइड करके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस एक्स की स्केयर बाय 2 प्लस ये डिवाइड और तो ऊपर इसके मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2c, अंदर करेंगे हो जाएगा 2x, इसको सेट करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस x का स्केयर, और ये भी 2 से 2 से कैंसिल तो बचेगा प्लस कॉन्स्टेंट, हम यहाँ y का स्केयर था x ले लें कॉमन, क्या बचा 2 माइनस x प्लस सम कॉन्स्टेंट विच इज योर आंसर, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने इस 2 को 2 से कट किया, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा x का स्केयर, इसको मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, और ये भी ऑलरेडी से कट के क्या आ जाएगा खाली सी, ये हमारे पास हमने कॉमन ले लिया x सुंदर का बचा 2 बचा, यहाँ हमने x कॉमन तो 1x बचा प्लस सम कॉन्स्टेंट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो सीक्वेंस वाला वो करवाती हूँ मैं आपको, उसमें थोड़ा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक यूज कर ली है, साइन वाई कोसेकेंड एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन, सेपरेटिंग वेरिएबल्स करेंगे, अब साइन वाई है उसको यहाँ ही रखें, ये डी वाई है वाई की वैल्यू को भी यहाँ ही रखें, ये डी एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, ऊपर जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे क्या रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, अलग हो गए वेरिएबल्स, ये साइन वाई डी वाई, ये को सीकेंड ऊपर जाए क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इसको किया हमने एफ साइन वाई डी वाई, फिर इसको किया इंटीग्रेशन में साइन एक्स डी एक्स, साइन किसके ऊपर होता है माइनस कोज के, यहाँ आ जाएगा माइनस कोज वाई, यहाँ आ जाएगा माइनस कोज एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट, ये माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे क्या बचा कोज वाई इज इक्वल टू कोज एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट इज योर आंसर, अंडरस्टैंड इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 8 करवाती हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 करवाते हैं मैं आपको, असल में कह रहे हैं कि x का स्क्वायर प्लस 1 नीचे y प्लस 1 इज इक्वल टू x ओवर y सर डी वाई ओवर डी एक्स, इज इम्पोर्टेंट है, गुजरात बोर्ड में आया हुआ 2006 और 7 में, ठीक है। आप देखें सेपरेटिंग करेंगे वेरिएबल्स, हमारे पास क्या है यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 1, क्या x का स्क्वायर प्लस 1 नीचे क्या है y, नीचे हमारे पास क्या y प्लस 1, ये एक्स यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू एक्स का लेके आने तो एक्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड, ये सर डी एक्स डिवाइड ऊपर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, आई समझ। अब ये वाई प्लस वन यहाँ क्या है डिवाइड ऊपर जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये वाई इंच डिवाइड रहेगा और सर डी वाई ऊपर ऐसे, ठीक है, यहाँ तक समझ आई। अब नेक्स्ट देखें, इसको ढके यहाँ ले आए वाई को और इसको ढके ये ले आए, ठीक है, ये हो जाएगा वाई प्लस वन ओवर वाई सार डी वाई, ये यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स सार डी एक्स, अलग अलग करें इसको, ये हो जाएगा वाई बाय वाई प्लस वन ओवर वाई सार डी वाई, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स और साथ आ जाएगा डी एक्स,
ये वाई से वाई कट गया, यहाँ क्या बचा, वन प्लस वन ओवर वाई, मतलब कि डी वाई ओवर डी वाई ओवर वाई इज इक्वल्स टू एक्स एक्स कट गया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा एक्स और साथ डी एक्स प्लस डी एक्स ओवर एक्स। अब हम आगे क्या करेंगे, इंटीग्रेट। पहले इंटीग्रेट करना डी वाई को, प्लस इंटीग्रेट करना डी वाई ओवर वाई को, फिर करना एफ एक्स डी एक्स को, फिर करना एफ डी एक्स ओवर एक्स को। अब देखें इसको इंटीग्रेशन की, तो वहां पर क्या आंसर आया, वाई के इक्वल, ये नीचे फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव है, क्या ले लेंगे लॉग प्लस लॉग वाई, ये वन और ये वन क्या हो जाएगा, एक्स की टू, एक्स की टू बाय टू, प्लस नीचे फंक्शन वेरिएबल क्या हो जाएगा लॉग एक्स, साथ दे लो लॉग सी कॉन्स्टेंट, वाई प्लस लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स का स्केयर बाय टू प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब ले लो ई कॉमन, यहाँ पे ले लो इसी जगह ई, इसको पावर में ले लो, वाई प्लस लॉग वाई ले लिया मैंने पावर में। अब यहाँ भी लो ये ई ले लो कॉमन, ये कॉमन ये माइनस है, ऊपर ले जाओ माइनस एक्स की टू बाय टू, सो दिस इज माइनस में, ठीक है एक्स की टू बाय टू, सो डी ले लो ऊपर ले लो एक्स लॉग एक्स, दोबारा ई ले लो ऊपर ले लो लॉग सी, अब देखें वाई प्लस लॉग वाई है, y कॉमन ले लो, अंदर बचा e के साथ क्या आ गया log y की जगह आ गया y ऊपर, इधर आ गया e, जब मैंने कॉमन लिया तो क्या है यहाँ पे c e c, इस जगह log x जगह क्या है x, और साथ e के आ गया माइनस एक्स की स्केयर बाय टू, ठीक है ये चीज। अब हमारे पास आंसर क्या है, y e की y रिको c x e माइनस एक्स की स्क्वेयर बाय टू इज योर आंसर, बिकॉज कैसे आएगी, हमारे पास ये लॉग एक्स था, ठीक है ये लॉग सी था, ये लॉग एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है, और लॉग सी किस होते हैं सी के इक्वल, तो मैंने सी एक्स ले लिया और ये मैंने पावर ऊपर में ले गई, हमने इसको ऐसे सॉल्व किया हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 9 जो है बिल्कुल सेम ऐसे, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं टू एक्स का स्केयर वाई डी वाई ओवर dx is equals to x का square minus 1। अब वो कह रहे हैं कि सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ये 2 ऐसे आ गया, ये y यहाँ रखें, ये dy भी यहाँ ही रखें, अब यहाँ x का square बचा, ये मल्टीप्लाई और x का square वहां जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, ये dx डिवाइड हो जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऊपर क्या x का स्क्वायर माइनस वन, ये है टू वाई डी वाई एक्स का स्क्वायर माइनस वन, उसको अलग अलग करो, एक्स का स्क्वायर बाय एक्स का स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स का स्क्वायर और साथ डी एक्स से कट गया, क्या बचा टू वाई डी वाई, यहाँ बचा वन मतलब डी एक्स माइनस डी एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर इज योर डिफाइन इक्वेशन है आपकी, इसको आप ये लिख सकते हैं कि आप इसको ले जाए x की माइनस टू पर ताकि हम इसको सोल्व कर सकें। अब हम आगे इसको इंटीग्रेशन करते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, टू वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस एक्स का माइनस टू और साथ डी एक्स, अब हमने क्या करना था इंटीग्रेट, ये टू रखें बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे y डी वाई की इसकी पहले, फिर डी एक्स की वन डी एक्स के मतलब के, फिर हम करेंगे इंटीग्रेशन x की माइनस टू की और साथ डी एक्स, ये टू ऐसे ये वन है ये वन है, क्या हो जाएगा y की टू ओवर नीचे टू, ये खाली x बच जाएगा, ये माइनस टू और प्लस वन क्या आ जाएगा, माइनस टू प्लस वन क्या आ जाएगा माइनस वन, तो x की आ जाएगा माइनस वन, नीचे भी माइनस वन प्लस सम कॉन्स्टेंट, टू से टू कट गया, यहाँ बचा वाई का स्केयर ये माइनस वन है, उसको ऊपर ले जाएंगे ये हो जाएगा एक्स,
पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर जाके आ जाएगा 1 बाय एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। जब हमारे पास कोई वैल्यू जो माइनस में हो उसको ऊपर ले जाओ, क्या होती है पॉजिटिव में हो जाती है, क्या हो जाती है पॉजिटिव में। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम ऐसे ही है। वो आप लोग खुद करें, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आप खुद करिएगा, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम ही है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं हमें क्वेश्चन निकालना है सेकंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट वाई डी एक्स प्लस सेकंड स्क्वायर वाई टेंजेंट एक्स और डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सेपरेटिंग करेंगे वेरिएबल्स। क्या करेंगे सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ये सीकेंस स्क्वायर एक्स है इसको यहाँ ले जाओ, ये क्या हो जाएगा माइनस सीकेंस स्क्वायर एक्स, ठीक है। टेंजेंट वाई है इसको भी यहाँ ले आओ सर डी एक्स, इसको मैं कहाँ ले यहाँ ले। अब ये क्या हो जाएगा सीकेंस स्क्वायर वाई टेंजेंट एक्स और डी वाई यहाँ रख लो। अभी देखिए कि हमारे पास ये तो एक्स का टेंजेंट और वाई क्या है, तो चेंजिंग होनी है सीकेंस स्क्वायर वाई साथ की टेंजेंट वाई यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ की डिवाइड हो जाएगा सर डी वाई, यहाँ पे माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड और साथ डी एक्स। अब देखें अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, क्या करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट किया सीकेंट टू एक्स टेंजेंट वाई डी वाई को, इधर किया माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट वाई और साथ डी एक्स। जब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे क्या फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो लोग ले लेंगे, लोग आ जाएगा टेंजेंट वाई का, यहाँ आ जाएगा माइनस लोग टेंजेंट एक्स का, प्लस आप ले लेंगे लोग सी। तो जहाँ हमारे पास लोग एक या दो आ जाए वहाँ हम एक्स्ट्रा एक लोग खुद दे देते हैं ताकि हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ये लोग टेंजेंट वाई यहाँ ही रखे, माइनस है तो ऊपर चले जाएगा, लोग सी आ जाएगा डिवाइड में ले जाएंगे टेंजेंट एक्स, लॉग से वो कट गया टेंजेंट वाई किसकी कोल आ गया सी ओवर टेंजेंट एक्स, तो टेंजेंट एक्स यहाँ पे ले आया मल्टीप्लाई या डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई इज इक्वल टू सी विच इज योर आंसर। ठीक है क्वेश्चन 14 बिल्कुल सेम ऐसे ही करना आपने। क्वेश्चन 15 देखे, वन प्लस कोस एक्स टेंजेंट वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या करेंगे सेपरेटिंग वेरिएबल्स। क्या करेंगे सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ये कोस एक्स यहाँ रखो सर टेंजेंट वाई और डी वाई भी, यहाँ प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस वन, ये टेंजेंट वाई सर डी वाई यहाँ ही रखें, ये कोज एक्स मल्टीप्लाई हो जाए क्या हो जाएगा डिवाइड माइनस वन, ये डिवाइड हो जाएगा कोज एक्स और ये डी एक्स क्या हो जाएगा डिवाइड, ऊपर जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, टेंजेंट की वैल्यू किसके साइन के होता है तो आ जाएगा माइनस साइन वाई ओवर कोज प्लस पॉजिटिव कोज वाई, ये माइनस में उठा कर यहाँ ले आई हो जाएगा माइनस सर डी वाई, ये कोस ऊपर क्या हो जाएगा सीकेंट क्या हो जाएगा सीकेंट एक्स साथ आ जाएगा डी एक्स। अब हम आगे से करते हैं इंटीग्रेशन, हमने क्या वैल्यू निकाली थी माइनस साइन वाई नीचे आया था कोस वाई और साथ डी वाई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स और साथ डी एक्स। अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेट, क्या करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन माइनस वाई ले दें साइन वाई ओवर कोस वाई साइड डी वाई
ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ सीकेंट एक्स और डी एक्स माइनस ऐसे नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव ले लेंगे लोग आ जाएगा लोग साथ कोस बाय ये नीचे फंक्शन डेरिवेटिव ले लेंगे कोस कोस बाय इधर आ जाएगा ये भी लोग आ जाएगा सीकेंट एक्स इसका होता है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस लोग सी लोग से लोग कट गया आंसर क्या है कोस वाई इज इक्वल्स टू कोस इक्वल्स टू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट इज योर आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं सेकंड एक्स प्लस टेंजेंट वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पहले क्या करेंगे सेपरेटिंग करेंगे वेरिएबल्स वेरिएबल्स करेंगे टेंजेंट वाई और डी वाई यहाँ ही रखो ये सीकेंड एक्स वहां जाके हो जाएगा माइनस सीकेंड एक्स और साथ डी एक्स ये वाई माइनस यहाँ ले जाओ माइनस टेंजेंट वाई डी वाई और हो जाएगा सीकेंड एक्स साथ डी एक्स टेंजेंट इधर क्या आ जाएगा माइनस साइन वाई ओवर कोस वाई साथ डी वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा सीकेंड एक्स और साथ डी एक्स अब देखें ये वही सेम क्वेश्चन ऊपर वाला है ठीक है बिल्कुल सेम आपने इसको उस तरह सोल्व किया इस तरह आपने इसको सोल्व किया है सेम वही पैटर्न है वही अब कोस आ गया अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे वही आ जाएगा इसके इंटीग्रेशन करेंगे वही आ जाएगा बाकी सेम एज क्वेश्चन नंबर 15 सेम नेक्स्ट हमारे पास सेम है ये मेरा पूरा पैटर्न आपने यहाँ सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 15 ठीक है अब क्वेश्चन नंबर आप 18 देखें 18 में कह रहे हैं ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स इट्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये लाहौर बोर्ड में आया हुआ है 2011 गुजरात बोर्ड में आया हुआ है 2018 में हम देखें क्या करेंगे हम पहले सेपरेटिंग करेंगे वेरिएबल्स सेपरेटिंग वेरिएबल्स क्या करेंगे सेपरेटिंग वेरिएबल्स करेंगे हम अभी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा ये हो जाएगा डी वाई यहाँ रखो ठीक है तो ये जो ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स पहले ही है और ये पॉजिटिव को उठा के यहाँ ले ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स और डी एक्स अब करो इंटीग्रेशन इंटीग्रेट बोथ साइड ये हो जाएगा एफ डी वाई ये हो जाएगा एफ ई एक्स प्लस माइनस ई माइनस एक्स ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स और साइड डी एक्स ये सी करेंगे तो वाई के इक्वल आ जाएगी ये नीचे फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव है तो लोग ले लेंगे लोग आ जाएगा हमारे पास ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट विच इज योर आंसर इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन किस साइज है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आपके पास जो था क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 18 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लॉन्ग में भी आते हैं और शॉर्ट में कह रहे हैं सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कह रहे हैं सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स ठीक है हमारे पास गिवन क्या है गिवन एक्स इज इक्वल्स टू फोर व्हेन टी इज इक्वल्स टू जीरो वो कह रहे हैं आप सोल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन हमारे पास ये है और एक्स उन्होंने क्या दिया गया फोर है और टी किसे इक्वल है जीरो के इक्वल क्या करेंगे सेपरेटिंग वेरिएबल्स सेपरेटिंग
वेरिएबल्स. ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी था, जिसके इक्वल था टू एक्स के, तो ये हो जाएगा डी एक्स. ये एक्स मल्टीप्लाई यहाँ की डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा टू डी टी. ठीक है, अब इंटीग्रेशन करें. डी एक्स ओवर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी की करेंगे. ठीक है, ये हो जाएगा फंक्शन ऊपर, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, क्या हो जाएगा लॉग ले लेंगे, लॉग एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा टू, ये ऑलरेडी वन है तो खाली आ जाएगा टी प्लस सम लॉग सी कॉन्स्टेंट. अब ई लेकर इसको पावर में ले लें एल एन एक्स, देखिए हम इक्वेशन सॉल्व कर, यहाँ पे ई लेकर टू टी प्लस एल एन सी ले लें, क्या ले लें टू टी एल एन सी, ये आ जाएगा ई लॉग एक्स ऊपर, इसको अलग ले लें ई की टू टी डॉट ई की एल एन सी लॉग सी. अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स के इक्वल, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा सी, ये कट गया सी, ये लोग और ये लोग कट गया आपस में, यहाँ का बचा एक्स और यहाँ का बचा सी, यहाँ का बचा ई और साथ टू टी. ठीक है, अब पुट करें एक्स इज इक्वल टू फोर और टी इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन. एक्स हमारे पास फोर के इक्वल पुट कर दिया इज इक्वल टू सी ई, टू टी है टू के साथ जीरो पुट कर दें जीरो, फोर इज इक्वल टू सी ई, टू जीरो किसके इक्वल होता है ऊपर टू जीरो होता है जीरो आ जाएगा, तो फोर इज इक्वल टू सी ई जीरो किसके इक्वल होते हैं बताया भी पिछले क्वेश्चन में आपको, ई जीरो इज इक्वल टू वन, वन के इक्वल, तो सी हमारे पास इक्वल आ गया फोर के. सो अगेन से पुट कर दें इसकी वैल्यू को, अगेन पुट करें, अगेन पुट इन वन, x इज इक्वल टू c जगह पुट करें 4 e 2t व्हिच इज योर आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 21 देखें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इस एस का एक ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है. ठीक है, अब हम इन एक्सो क्या कह रहे हैं, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास, डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू टू प्लस टू एस टी इज इक्वल टू जीरो, आल्सो फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, क्या फाइंड करना है, आल्सो फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन इफ एस इज इक्वल टू फोर ई और टी इज इक्वल टू जीरो. हमारे पास क्या वैल्यू है सॉल्यूशन देखेंगे, क्या हमारे पास डी एस डी टी प्लस टू एस टी इज इक्वल टू जीरो. अब देखें नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ गई है, अब हमने क्या करना है सेपरेटिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स डी एस ओवर डी टी है तो डी एस है यहाँ पे एस इसको नीचे ले आएंगे, पहले डी एस ओवर डी टी करेंगे पॉजिटिव, यहाँ देखिए नेगेटिव हो जाएगा टू एस टी इज इक्वल टू के पास, ये डी एस है ये एस यहाँ मल्टीपल ये डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू टी और सार डी टी. अब इंटीग्रेट करें, ठीक है इंटीग्रेशन करें आप डी एस ओवर एस की इज इक्वल टू माइनस टू बाई लेते हैं डी टी और डी टी के. हमने क्या फाइंड किया था, हमारे पास क्या वैल्यू आई थी जब हमने इसको सॉल्व किया था सेपरेटिंग वेरिएबल्स किए थे, हमारे पास आई थी डी एस ओवर एस इज इक्वल टू माइनस टू टी ओवर डी टी. हमने इंटीग्रेशन करनी थी इसकी, यहाँ जगह डी एस ओवर एस इसको इंटीग्रेशन करेंगे माइनस टू बाहर तो आ जाएगा टी डी टी. ठीक है, अब देखो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, क्या ले लेंगे यहाँ पे हम लॉग एस आ जाएगा, या माइनस टू ये वन और ये वन है, मतलब टी की टू बाय टू प्लस सम कॉन्स्टेंट.
टू से टू कट गया, यहाँ पे log s इज इक्वल टू माइनस t का स्क्वायर प्लस log c। ये e के ऊपर log s ले लो या लो ले लो, e के ऊपर ले लो माइनस t का स्क्वायर डॉट अलग ले लो e log c। ये e से e कट गया, यहाँ बचा s, तो यहाँ बचा c ऊपर e और माइनस t का स्क्वायर। अब फाइंड करेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पुट कर दें s इज इक्वल टू 4e और t इज इक्वल 0 इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। ये हमारे पास s क्या पुट करना है 4e, s का पुट कर दो 4e इज इक्वल टू ce, ce ऊपर क्या माइनस t, t की जगह पुट करो माइनस 0 का स्क्वायर, आ जाएगा 4e, ये आ जाएगा ce की पावर 0, यह आ जाएगा 4e इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4e। अगेन पुट करें इसको क्वेश्चन 1 में, s इज इक्वल c की जगह पुट कर दें 4e अगेन e और माइनस t का स्क्वायर, s इज इक्वल टू 4e, एक दफा लिखें माइ 1 माइनस t का स्क्वायर इज योर आंसर। क्या इज योर आंसर? अब क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22, जो हमारे इस पूरे एग्जाम में सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं। हम कह रहे हैं इन अ सर्टेन इन अ कल्चर, एक कल्चर में, इन अ कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजेस एट द रेट, बैक्टीरिया इंक्रीजेस एट द रेट प्रोपोर्शनल टू नंबर, प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया फोर आवर्स लेटर, ठीक है, चार घंटे पहले बैक्टीरिया पहुंचा है वहां तक, ओके। हमें इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इन अ कल्चर, एक कल्चर में बैक्टीरिया इंक्रीजेस एट द रेट, एक रेट पे बैक्टीरिया इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है, रेट प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। वो कह रहे हैं कल्चर की जगह पर बैक्टीरिया जो प्रेजेंट था वो उससे दो गुना बढ़ गया, ठीक है। इफ बैक्टीरिया आर 200 नेचुरली एंड आर डबल्ड इन टू आवर्स, कह रहे हमारे 200 अगर हमारे पास टाइम प्रेजेंट है, बैक्टीरिया को दो घंटे बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फोर आवर्स, मतलब दो घंटे में 200 हो रहे हैं, कह रहे हैं बताएं चार घंटे में कितने होंगे, ठीक है, हमने ये फाइंड करना है, ओके। अब देखिए हमारे पास बैक्टीरिया प्रेजेंट, आप लेट कर लें, लेट पी बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो आ जाएगा डी पी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू के पी। अब हम क्या करेंगे, हमें लेट किया ये सेपरेटिंग करेंगे वेरिएबल्स, ये आ जाएगा डी पी, ये पी जो मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, पी नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा के डी टी। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा log p kt plus c1। अब हम पुट करेंगे p is equals to 200 put p is equal to 200 और t is equal to t in equation number 1, ठीक है। हमारे पास क्या log है, log p है, तो log p की जगह क्या लगे log 200, k t है, k की जगह पुट कर दे 0, ठीक है, पुट कर दे 0 प्लस सम कांस्टेंट, ये जगह 200 k
200 आ जाएगा लोग 200 और किसकी वैल्यू आ जाएगी C1 के हमने पुट कर लिए ठीक है। हमने यहाँ पे C1 के पहले पुट कर लिया, पुट करें पुट C1 इज इक्वल टू लोग 200 इन इक्वेशन नंबर 1 में ठीक है। अब दोबारा इसको 1 पुट करें आ जाएगा लोग P इज इक्वल टू KT प्लस लोग 200 ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई हमारे पास। अब हमारे पास जो था पुट करें हमारे पास P किसके इक्वल था 200 के पुट करने 2 घंटे का हिसाब लगाने टाइम कितना हमने पुट करना है हमारे पास दिया गया 2। अब यहाँ आ जाएगा लोग 400 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा K की जगह 2 और साथ आ जाएगा K प्लस यहाँ आ जाएगा लोग 200 ये लोग 400 पॉजिटिव माइनस हो जाएगा लोग 200 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के इसके इक्वल ठीक है। इन दोनों को माइनस किया बस क्या आ जाएगा लोग आ जाएगा 200 और 400 अब ये के यहाँ रखें ये लोग 1/2 ले लें लोग ले लें 400 बाय ये 2 यहाँ ही रहा 400 ले लिया ये 200 ले लिया ठीक है। अब ये लोग के रहा यहाँ पे अब यहाँ हमारे पास क्या रहा लोग के अब यहाँ से 1/2 ये 2 से 2 कट गए यहाँ क्या बचा log 2 पुट करें k इज इक्वल्स टू 1/2 l एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 2 में। आपने ये पुट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, इस तरह आप इसको आगे क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आपका पूरा वो सॉल्व हो जाएगा ठीक है। आपने इसको पुट करना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ठीक है, हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। अब भाई क्वेश्चन नंबर जो 23 है बिल्कुल सेम आपने ऐसे ही करना है, हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.8 होती है यहाँ पे कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।